हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर थर्ड, जिसका हेडिंग है शब्द विचार, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शब्द विचार। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द की क्या परिभाषा है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से, मतलब वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। तो वर्णों के मेल से, एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, तो एक या एक वर्णों के मतलब अक्षरों के मेल से क्या बनता है? सार्थक ध्वनि समूह, मतलब एक समूह बन जाता है अक्षरों का, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, तो घ उसमें ओ की मात्रा, ड उसमें आ की मात्रा, दो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उसमें मात्राएँ ऐड की गई हैं, तब जाके वो क्या बनाए? एक शब्द बनाए। अब इसमें देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, घोड़ा, राधा, तरुण, आगरा, ये सब क्या हैं? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। ऊपर लिखे ध्वनि समूह का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। घोड़ा एक पशु का नाम है, राधा और तरुण व्यक्तियों के नाम हैं, इसी प्रकार आगरा किसी नगर का नाम है, अतः ये सब सार्थक ध्वनि समूह होने के कारण शब्द हैं। देखिए यही मैं आपको समझा रही थी कि ऊपर लिखे ध्वनि समूह का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है, मतलब एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। जब दो अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, एक वो सार्थक ध्वनि बन जाती है, तब उसका क्या होता है? एक अर्थ निकलता है, मतलब एक शब्द का ही एक सार्थक अर्थ निकल सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद, अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद हैं। अब देखिए अर्थ शब्द के भेद किस किस आधार पर हैं? अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। अब पहला है अर्थ के अनुसार शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद, पहला है निरर्थक और दूसरा सार्थक। मतलब अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? दो, सार्थक और निरर्थक। अब पहला इसमें सार्थक, जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, गया, दिल्ली, पानी, रोटी आदि। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई स्पष्ट अर्थ निकले, मतलब जिनका कोई एक सार्थक अर्थ निकले, स्पष्ट अर्थ निकले, वो शब्द कहलाते हैं सार्थक शब्द। अब इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, लड़का इसका एक मीनिंग निकल रहा है, मतलब एक लड़का है, एक बालक है, पुस्तक माने एक किताब है, दिल्ली एक नगर का नाम है, एक शहर का नाम है। फिर है नेक्स्ट इसमें निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, गाना वाना, मीठा वीठा। अब देखिए सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका स्पष्ट अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वे कहलाते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। अब ऐसे शब्द कौन से होते हैं? जैसे पानी वानी, अब कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं आप पानी वानी पियेंगे, ऐसे कई बार यूज़ होता है ना वर्ड, कि ऐसा तो नहीं पूछते आप पानी पियेंगे, बहुत से लोग तो स्पष्ट बोलते हैं कि आप पानी पियेंगे, ये बहुत से इन्हें पानी वानी पिलाओ, ये आए हैं तो इनका चाय पानी करो, पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ, इस तरह से कहते हैं ना। तो अब खाना का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाना का क्या अर्थ हुआ? नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता, वो एक बोलचाल की भाषा में निकल जाता है मुँह से वर्ड या शब्द। तो ऐसे शब्द होते हैं कुछ जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। अब इसमें नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं शब्द के? दो। इसमें पहला है विकारी और दूसरा अविकारी। अब देखिए पहला शब्द है विकारी, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब जिन शब्दों में लिंग मतलब क्या होता है? जेंडर। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन आपने पढ़े हैं ना, तो उनके और कारक के अनुसार, कारक में क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, मतलब हम किसी वाक्य को बीच में चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, चिन्हों द्वारा वाक्य पूरा होता है। तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ, लड़का पढ़ता है, देखिए लड़का पढ़ता है एक एग्जाम्पल है। अब इसमें लिंग के अनुसार कौन सा परिवर्तन आएगा? लड़की पढ़ती है, मतलब लड़का क्या हुआ? पुल्लिंग, और लड़की हुई स्त्रीलिंग, तो इस तरह से परिवर्तन आ जाता है। फिर वचन, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, मतलब लड़का पढ़ता है मतलब एक वचन, और लड़के पढ़ते हैं बहुवचन, तो इसमें वचन के अनुसार भी परिवर्तन आ गया। फिर है कारक, लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो। अब देखिए लड़का पढ़ता है कारक, इसमें कोई विभक्ति नहीं है,
फिर लड़के को पढ़ने दो, तो लड़के को इसमें क्या आ गई, विभक्ति आ गई, मतलब कर्ता ने कर्म को। ये आपको जब कारक वाला चैप्टर आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें का लड़के को पढ़ने दो, इसमें परिवर्तन आ गया वाक्य में। तो जब ये परिवर्तन आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। फिर विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, मतलब विकारी शब्द में चार तरह से परिवर्तन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, विशेषण के अनुसार और सर्वनाम के अनुसार। अब नेक्स्ट है इसमें अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्ययी भी कहते हैं, जैसे और, तथा, धीरे धीरे, कम, अधिक, वाह वाह, हाय आदि। अब देखिए, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब उनका एक ही अर्थ निकलता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अब इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे और का एक ही मतलब निकलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। धीरे धीरे, धीरे धीरे भी क्या होता है, एक ही अर्थ निकल रहा है। फिर अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। थर्ड है इसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। उत्पत्ति अथवा उद्गम की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा है ना, वैसे संस्कृत भाषा भी है, आप जानते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में वैसे के वैसे आ जाते हैं, मतलब वैसे के वैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। कौन से होते हैं ये, जैसे माता। अब संस्कृत में माँ को माता भी कहते हैं, तो वो वर्ड हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा में भी। कवि, मुनि, नदी, ये सब इनके उदाहरण हैं तत्सम शब्दों के, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन वो हिंदी में भी वैसे के वैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर किन्हीं में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, घोड़ा, घोटक, दूध, दुग्ध, दांत, दंत, रात, रात्रि। देखिए, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर, मतलब उनका रूप बिगड़ जाता है, बदल जाता है और किन्हीं में मिल जाता है, मतलब किसी और में मिल जाता है, तो उनको क्या कहता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, आग को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अग्नि, अग्नि कहते हैं ना हम, पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे आपने। फिर घोड़ा को घोटक, ये तद्भव शब्द कहलाते हैं, मतलब घोटक संस्कृत में कहते हैं। दूध को दुग्ध, दांत को दंत, तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द। फिर है देशज शब्द। जो शब्द देश के विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चमड़ा, लड़का, चिमटा आदि। अब देखिए, जो शब्द देश के विभिन्न भाषाओं में हिंदी में अपना लिए, मतलब देश की विभिन्न भाषाओं में उन्हें हिंदी ने अपना लिया है, उन्हें क्या कहते हैं हम, देशी शब्द या देशज शब्द। तो कौन से हैं ये, गाड़ी, खिड़की, लोटा, ये उदाहरण है। चिमटा किसके उदाहरण है, ये देशज शब्द या देशी शब्द, ये देशी शब्द कहलाते हैं। फिर है विदेशी शब्द। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द कौन से कहलाते हैं, विदेशी मतलब विदेश में बोलने वाले शब्द। तो विदेशी मतलब जो अंग्रेजी भाषाओं से, उर्दू भाषा से, फारसी भाषा से किसमें आ गए, हिंदी में आ गए और उन्हें वैसे ही बोला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। कौन से होते हैं, रेडियो, रेडियो इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में भी हम रेडियो ही बोलते हैं। फिर स्कूल, स्कूल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में भी बोलते हैं। गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन, ये सब वर्ड क्या है, दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए लेकिन उन्हें ऐसे ही बोला जाता है और किसी अर्थ में नहीं बोला जाता। अब देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। चौथा इसमें है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के हैं। पहला है रूढ़ी। जो शब्द परंपरागत हो तथा जिनके खंड का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ी शब्द कहते हैं। रूढ़ी शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द परंपरागत हो, मतलब परंपराओं से चला आ रहा हो, मतलब पहले से चला आ रहा हो, जैसे हम लोग कहते हैं प्राचीन परंपरा से आ रहा है। तो कैसे शब्द हैं, रोटी, घोड़ा, नदी, नाक, ये कौन से शब्द हैं, रूढ़ी शब्द, जो पहले से चले आ रहे हैं, मतलब परंपराओं से चले आ रहे हैं, परंपरागत शब्द हैं। और जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, मतलब उन्हें अगर दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, खंड कर दिए जाए उनके, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
फिर है दूसरा यौगिक, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं, मतलब एक शब्द अलग और दूसरा अलग और दो शब्दों के योग से बने होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पाठ प्लस शाला इक्वल टू पाठशाला, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए पाठ का भी एक अर्थ होता है और इनके खंड का, मतलब इनको अगर दो टुकड़ों में हमने बांट दिया है, पाठशाला को हमने पाठ और शाला दो टुकड़ों में बांट दिया है, तो पाठ का भी अर्थ निकल रहा है और शाला का भी अर्थ निकल रहा है। पाठ मतलब जो हम पाठ पढ़ते हैं, जिस पढ़ाया जाता है उसे पाठ कहते हैं, शाला मतलब विद्यालय स्कूल, तो पाठ का भी अर्थ है और शाला का भी अर्थ है। तो पाठशाला मतलब इनके दो खंड कर दिए गए तो भी इनका प्रत्येक शब्द का एक अर्थ निकलता है, और अगर मिला दिए इनको तो भी उसका अर्थ निकलता है। पाठशाला मतलब जहाँ पे पाठ पढ़ाया जाए, जहाँ पे पढ़ाया जाता है उसे हम पाठशाला कहते हैं, विद्यालय स्कूल। अब ऐसे ही एक और उदाहरण है, इसमें डाकघर, डाक प्लस घर इक्वल टू डाकघर, मतलब जहाँ डाक आती है उस घर को हम क्या कहते हैं, डाकघर। पोस्ट ऑफिस को डाकघर कहा जाता है ना, तो डाक का भी एक मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, और घर का भी अर्थ निकल रहा है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है इन शब्दों को तब भी उसका एक अर्थ निकलता है। तो ये शब्द कौन से कहलाते हैं, यौगिक शब्द। फिर है योगी रूढ़ी शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योगी रूढ़ी शब्द कहते हैं। अब जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और उनका एक विशेष अर्थ, मतलब उनका एक विशेष अर्थ निकलता है उसके लिए वो प्रसिद्ध होते हैं। इसमें देखिए आपको उदाहरण दिया गया है, लंबोदर, दशानन, देखिए दश प्लस आनन इक्वल टू दशानन, दश प्लस आनन इक्वल टू दशानन। दशानन कौन होता है, रावण, जिसके दस सिर हों। तो इसमें दश प्लस आनंद मतलब दस मुखों वाला, तो दश का क्या हो गया दस, और आनंद मतलब दस सिर वाला, तो दोनों का क्या अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है, मतलब उसके क्या विशेषता है रावण में, उसके दस सिर थे। तो इस शब्द का क्या निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है कि दस सिर वाला कौन है, रावण। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, योगी रूढ़ी शब्द। स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तब अपनी बुक खोलकर सामने बैठिए, उस चैप्टर को रीड कीजिए और मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आए। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आपको उसे बुक में ही फिल करना है पेंसिल से, और जो क्वेश्चन आंसर है इसके वो मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी, तो आपको वो हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी उसमें नोट डाउन करना है, और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है, उसे कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।